क्या सिवान, क्या गोपालगंज, क्या आरा, क्या छपरा, बिहार के हर जिले में सेना की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ को लेकर बवाल हुआ है। बवाल भी ऐसा कि ट्रेन फूंक दी गई, अलग अलग जगह पथराव किया गया। यह बवाल देश भर में हो रहा है, लेकिन बिहार में इसका असर कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल है कि बिहार में बवाल ज्यादा क्यों है। दरअसल 2020 से आर्मी अभ्यर्थियों की कई परीक्षाएं हुई थी, किसी का मेडिकल बाकी था तो किसी का रिटेन। ऐसे सभी अभ्यर्थियों की योग्यता एक झटके में रद्द कर दी गई। पहले ये नौकरी अस्थाई हुआ करती थी, मतलब सरकारी नौकरी का ख्वाब इससे नौजवान पूरा करते थे। नई स्कीम के तहत बताया गया कि अब 4 साल की नौकरी होगी। इसमें सिर्फ 25% अग्निवीरों को अस्थाई किया जाएगा, 75% 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। उनको पेंशन समेत बाकी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। बिहार जैसे राज्य में जहां ज्यादातर युवाओं का ख्वाब सरकारी नौकरी होता है, ऐसे में सपना टूटता देख नौजवान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। हालांकि आर्मी अभ्यर्थियों के विरोध को देखते हुए कई बीजेपी शासित राज्यों ने लुभावने घोषणाएं की है, राज्य की नौकरियों में वरीयता देने की बात कही है ताकि छात्रों के गुस्से को थामा जा सके। बिहार में सत्ता की साझेदार बीजेपी है, मगर बागडोर जेडीयू के नीतीश कुमार के पास है। चूंकि केंद्र की बीजेपी सरकार ने नियमों में बदलाव किया, तो जाहिर सी बात है नौजवानों में गुस्सा भी बीजेपी के खिलाफ है। इस बाबत न तो बिहार बीजेपी का कोई बड़ा नेता बयान दिया है और न ही सरकार की ओर से युवाओं के लिए कोई घोषणाएं की गई है। आर्मी अभ्यर्थियों को लग रहा है कि उनके साथ मौजूदा सरकार धोखा कर रही है, लिहाजा वो अपने गुस्से का इजहार सरकारी संपत्तियों पर उतार रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा निशाने पर रेलवे है। आपको बता दें कि 14 जून को केंद्र सरकार ने सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा की। इसके तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। इसके बाद इसमें से 1/4 युवाओं की नौकरी अस्थाई होगी, बाकी को रिटायर कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है, मगर अभ्यर्थियों को यह सरकारी स्कीम रास नहीं आ रही है। दरअसल सेना में जितनी भी भर्तियां होंगी वो अग्निपथ स्कीम के तहत ही होंगी, पुराने मेडिकल या फिजिकल टेस्ट को नहीं माना जाएगा। भर्ती के लिए युवाओं को अग्निपथ स्कीम के तहत ही अप्लाई करना होगा।